नमस्कार, मैं हूं संजय शुभांकर। स्टोरी प्लैनेट में आपका एक बार फिर स्वागत है। कहानियों की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है विजय पंडित जी की कहानी जोगिया राग। वाराणसी जनपद के ज्ञानपुर तहसील वर्तमान में भदोही में जन्मे विजय पंडित जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद लखनऊ स्थित भारतेंदु नाट्य अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया। आप एक कुशल लेखक और निर्देशक हैं। आपको गुलाबबाई सम्मान और मोहन राकेश सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। वर्तमान में विजय पंडित जी मुंबई में टेलीविजन और फिल्मों के लेखन में व्यस्त हैं। तो प्रस्तुत है विजय पंडित जी की कहानी जोगिया राग। आषाढ़ की घुप अंधेरी मध्य रात्रि में सावित्री की नींद आज फिर एक बार खुल गई। ओसारे में टंगी लालटेन पता नहीं कब से बुझी पड़ी थी, सो उसने सिरहाने में पड़ी दिया सलाई को टटोल कर किसी तरह ढूंढा और तीली घिसकर उजाले का एक छोटा सा टुकड़ा अंधेरी कोठरी में फैला दिया। फिर जलती हुई तीली लेकर संभलते संभलते लालटेन तक पहुंची और शीशा उठाकर बाती से लगा दिया। बस ओसारे से लेकर द्वार तक पीली रोशनी फैल गई और सावित्री एक बार फिर दूर से आती सारंगी की आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगी। लेकिन सारंगी की आवाज का दूर दूर तक कहीं अता पता नहीं था। बाहर बादल बरसकर अभी अभी निकला था, सो साए साए करती अंधेरी रात की पृष्ठभूमि में जो स्वर सुनाई दे रहा था वो झिंगुर और कुत्तों के भौंकने के अलावा कुछ और नहीं था। दूर बगीचे से बीच बीच में जो स्वर और सम्मिलित हो रहा था वो मोर की आवाज थी, जो बादलों की गरज की प्रतिक्रिया में गूंज उठती थी। तो फिर ये सारंगी बजने की आवाज कहां से सुनाई पड़ रही थी उसे? ये स्वप्न था कि भ्रम, जिसके आभास से सावित्री अचकचाकर जग गई थी। सावित्री ये सोचते हुए लालटेन को मंद करके कोठरी में चली गई। ओसारे में बिछी खाट पर उसके ससुर अब भी खर्राटे मारकर सो रहे थे, जैसे कहीं कुछ हुआ ही ना हो। पिछले 15 सालों से सावित्री को पता नहीं क्यों लगता आ रहा है कि रात के अंधेरे में एक जोगी कभी द्वारे से और कभी घर के पिछवाड़े से सारंगी बजाता हुआ पता नहीं कहां आलोप हो जाता है। रात में जब भी सारंगी की आवाज से उसकी आंख खुलती, वो निढाल होकर बिस्तर पर लेट जाती और घर की धुआई छत को टुकुर टुकुर देखने लगती। इस बड़े से मकान के जिस कमरे में सावित्री को शादी के बाद पैर रखवाया गया था, उसमें कभी दूध पकाने के लिए बोसरी बनी हुई थी। उपले के धुएं से छत पर अनेकों आकृतियां बन गई थी और उन आकृतियों में से उसे एक ऐसी आकृति दिखलाई पड़ती जैसे कि कोई जोगी हाथ में सारंगी लिए लंबे लंबे डग भरता हुआ चला जा रहा है। उस आकृति को निहारते निहारते उसे कब नींद आ जाती पता ही नहीं चलता। सावित्री की नींद ठीक इसी प्रकार उचट गई थी आज से 17 साल पहले, जब वो मुश्किल से 13 साल की थी। सरयू पारिय ब्राह्मण कुलोत्पन्न कर्मकांडी बटेश्वर चौबे ने जब यह निर्णय लिया था कि बिटिया सावित्री कुमारी का सही मायने में कन्यादान करेंगे। भाई, शास्त्र सम्मत कन्यादान तो तभी माना जाता है जब कन्या को रजस्वला होने से पूर्व ही तुभ्यमहम संप्रददे कहकर वर के हाथों में सौंप दिया जाए। यही होता है असली कन्यादान। भला उस कन्यादान का क्या मतलब कि कन्या कन्या ही न रहे, स्त्री हो जाए? शास्त्र में कहीं स्त्री दान लिखा है क्या? कहीं नहीं। डोरी लोटा लेकर वर ढूंढने निकल जाते बटेश्वर। कई महीने तक गांव जवार की खाक छानने के बाद उन्होंने ढूंढा था सावित्री के लिए सुयोग्य वर। भगतपुरवा गांव के 20 विश्वा के उच्च कुल गौतम गोत्रोत्पन्न राम लोलारख तिवारी के सुपुत्र आयुष्मान बाल मुकुंद तिवारी को, उन्नत ललाट गौर वर्ण कवर्गीय संस्कृत पाठशाला में मध्यमा का छात्र। तिवारी के घर में 25 बीघे की खेती, द्वार पर 2 मुर्रा भैंसे और 2 जोड़ी बैल। घर में भी दूध घी की कभी कमी नहीं। 5 कमरों की बकरी, बड़ा सा आंगन और ओसारा। बाल मुकुंद में कोई ऐब नहीं, न सुरती तंबाकू और ना ही भांग धतूरा। महीने भर की वर खोज यात्रा के पश्चात थके मांदे लौटे थे बटेश्वर। जाड़े की रात में भोजन भजन करके ओसारे में लेटे हुए बटेश्वर चौबे का पैर दबा रही थी चौबाइन।
कहाँ गए, कैसे गए, सबका लेखा जोखा बता रहे थे अपनी पत्नी को, जैसे कोई आंखों देखा हाल बता रहा हो। सवित्री की माई, लड़का एकदम सोना है, खरा सोना। हमें तो वो कलयुगी लड़का लगता ही नहीं, वो तो लगता है जैसे सतयुग का है, सतयुग। अब क्या बताएं तुम्हें, वो लड़का तो जैसे जोगी है, सवित्री की माई जोगी। चौबे की खटिया के पास सोई हुई सवित्री की नींद अचानक खुल गई थी जोगी के नाम पर। वो सोचने लगी कि बापू किस जोगी की बात कर रहे हैं, कैसा होगा वो जोगी। और ये सोचते सोचते वो तब तक जागती रही जब तक चौबे चौबाई नहीं सो गए। आज फिर जग रही थी सवित्री, और आज फिर वो जोगी सारंगी बजाता हुआ कहीं अलोप हो गया था, अंतर ध्यान। सारंगी की धुन अब भी उसके मनो मस्तिष्क को विचलित किए जा रही थी। सोचते 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 वो उस कालखंड में चली गई जब अपने जोगी को पहली बार देखा था उसने। राम लोलारख तिवारी गाजे बाजे के साथ बारात लेकर आए थे, तो द्वार पूजन के समय चौबे के द्वार पर तिल रखने की भी जगह नहीं थी। हाथी घोड़ों पर बैठे बाराती चवन्नी ठन्नी और 1 रुपए के नोटों की गड्डियां तोड़ तोड़ कर लुटा रहे थे। गांव जवार के अहीर पासी के लड़कों में होड़ लगी थी पैसों को लूटने के लिए। ये उस समय की बात है जब वर और कन्या किसी भी सूरत में एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। सावित्री की सहेलियों ने उसे बारजे पर खड़ी लड़कियों के पीछे छिपा दिया। जैसे ही पालकी से दूल्हा उतरा, सहेलियों ने उसे आगे कर दिया। देख ले सावित्री, अभी अगर भर आंख नहीं देख पाई तो 3 साल तक नहीं देख पाएगी। शर्माते हुए झलक भर देखा था उसने अपने उनको। हल्की हल्की मूछ और दाढ़ी की रेखाएं उभर रही थी चेहरे पर। शादी का जोड़ा जामा और पेरी पहने सचमुच सवित्री को जोगी ही लगा था वो। सवित्री ने मुस्कुराते हुए सहेलियों से पूछा था कि इस जोगी के हाथ में अगर सारंगी होती तो कैसा रहता। तब दूल्हे मियां तुम्हारे द्वारे ना आते, बल्कि पूरे गांव में सारंगी बजाते हुए गाते फिरते, अरे सवित्री तू कहां, मैं तड़पता यहां। एक सहेली के जवाब पर सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। बैंड बाजे का शोर बढ़ता जा रहा था। उस समय गांव भर में दूल्हा बाल मुकुंद के चर्चे ही चर्चे थे। जनवासे में दोनों तरफ के पंडितों के शास्त्रार्थ के समय सावित्री का दूल्हा खड़ा होकर संस्कृत में कुछ बोल दिया था, बस सब लोहा मान गए थे। क्योंकि उन दिनों रिवाज के अनुसार जनवासा क्या, द्वार पूजा से लेकर विदाई तक दूल्हा अधिकांशतः आंख नीची किए चुपचाप बैठा ही रहा करता था। उसकी सहायता के लिए गांव का नाव ठाकुर दूल्हे के पास रहा करता था। दूल्हा अपनी जरूरतों को उसके कान में फुसफुसाकर बताया करता था, चाहे उसे प्यास लगे या पेशाब। लेकिन सावित्री का दूल्हा शास्त्रार्थ के समय भरे जनवासे में खड़े होकर कुछ बोला, और वो भी संस्कृत में। आसपास के गांव में भी ये बात फैल गई थी कि सावित्री का दूल्हा कोई बड़ा वाला शास्त्रीय पंडित है। बीच समाज में खड़े होकर शास्त्रार्थ किया, और वो भी खुद की अपनी शादी में। ये सब सुनकर तो मोहित हो गई थी सावित्री अपने जोगिया दूल्हे पर। काहे को मुकुंद के मुंह में पड़ी है सावित्री, जवानी बर्बाद कर रही हो अपनी। मुकुंदवा के लौटने की कोनो गुंजाइश नहीं है। सरंगी बजाते बजाते वो चला गया होगा कमरू कमाक्षा, जहां वो शास्त्रार्थ में गया होगा हार, और वहां की बंगालिन उसे सुग्गा बनाकर अपने पिंजरे में बंद कर ली होगी। बोलते हुए बलभद्र मिश्र के लड़के ने एक बार भोरहरे में हाथ पकड़ लिया था सावित्री का। दहीजरो के नाती, आइंदा कभी मुझे छूने की कोशिश की तो पोता काटकर तुम्हारे बाप की अंजुरी में रख दूंगी। बड़ा खैरख्वाह बनता है ना मेरी जवानी का, जाकर पहले अपनी बहन की जवानी संभाल, फुफकार उठी थी वो। बलभद्र के बेटे के बहाने जैसे उसने पूरे गांव को धमका दिया। छुटई ननकू माता बदल बलभद्र का बेटा। सभी बामनों ने बहुत कोशिश की कि सवित्री रात बिरात खेत खलियान में उसके पास आ जाया करे, और अगर ना आ सके तो कम से कम कोने अतरे में चुम्मा चाटी तो दे ही दिया करे। सब फप्तियां कसते कि तिवारी की पतोहू अपनी जवानी चौपट किए जा रही है।
लेकिन सावित्री जैसे करंट हो गई थी, करंट। सुहागरात के समय बहुत ही साहस करके घूंघट की ओट से जवाब दिया था अपने पति को सावित्री ने। शादी के तीसरे साल गौना आया था और उसने यह भी सुना था कि बाल मुकुंद गौना लाने को तैयार नहीं थे, लेकिन वो जमाना ही कुछ दूसरा था कि खुलकर अपने पिता के सामने प्रतिवाद करने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी किसी को। सावित्री पीहर से ही ठान कर आई थी कि प्रेम से जीत लेंगे अपने पति को, जब वो घूंघट उठाएंगे तो संस्कृत फारसी सब भूल जाएंगे। लेकिन सुहागरात के समय घूंघट उठाने की जरूरत ही नहीं समझी उसके पति ने। जानती हो, घर गृहस्थी में मेरा मन नहीं लगता, लगता है जैसे कि मेरे साथ जबरदस्ती हो रहा है। जबरदस्ती काहे का हो रहा है? अगर विवाह का मन नहीं था तो काहे को जोड़ा जामा पहनकर बारात लेकर चले आए थे? मैं नहीं गया था, बाबूजी गए थे। मैं तो बेमन से गया था, खानदान और घर की इज्जत की बात थी। अब मैं बारात में नहीं जाता तो कितनी जग हंसाई होती। तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आप मुझे इतना बड़ा दंड दे रहे हैं? मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा, प्रायश्चित कर रहा हूं। ये गृहस्थी का बंधन मुझसे नहीं हो पाएगा। देखो, कारण नहीं बता सकता, लेकिन लगता है कि ग्रह नक्षत्र ऐसा ही है। प्रवज्ञा योग है मेरी कुंडली में, मैं योगी हूं। योगी, योगी समझती हो? तभी वो मुस्कुराकर बोली थी कि तुम जोगी हो तो मैं तुम्हारी जोगन। वो खुद ही मुकुंद की ओर आगे बढ़ी। ठिठक कर मुकुंद कोठरी की भीत से जा लगे। फिर क्या था, पलंग पर बैठे बैठे ही दोनों जनों ने रात बिता दी। भुरहरे झपकी जो आई सावित्री को, तो जोगी फुर से उड़ गया। ये था जोगिया राग का पहला भाग। दूसरा और अंतिम भाग लेकर बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए विदा।